हे फ्रेंड्स, राजेश हियर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MIUI 14 के ऊपर जो है काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। मे बी इस ईयर के एंड या नेक्स्ट ईयर तक आपको जो है MIUI 14 का बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है। तो काफी सारे नए एप्स जो है उसके अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वही एप्स जो है शेयर करने वाला हूं, जिनको आप अपने MIUI 12.5 या MIUI 13 के फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। और उन्हीं सब एप्स के जरिए जो है आप अपने काफी सारे एप्स को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो गैलरी हो, चाहे आपका लॉन्चर हो, चाहे आपको गैलरी के अंदर मिलने वाला एडिटर हो, चाहे आपको फोन के अंदर जो आपको कैमरा देखने को मिलता है, चाहे वो अगर आप ये सोच रहे हैं कौन सी थीम है, तो इस थीम के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी सारे अच्छे विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो एप्स हैं जिनको आप अपने MIUI 12.5 और MIUI 13 के फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। हमने इन ऐप्स को अपने Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर टेस्ट किया है और सभी में ये ऐप्स जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपको हमारे फाइल मैनेजर के अंदर जो है यहाँ पे आपको 6 APK फाइल्स देखने को मिल रही है, जिन APK का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो फाइल आपको देखने को मिल रही है वो है कैमरा रिलेटेड। कैमरे का जो है नया वर्जन जो है 4.5 रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपके सामने कैमरे को लॉन्च कर देता हूं। देखिए कैमरे को हम लॉन्च करते हैं तो कैमरे का जो UI है उसके अंदर यहां पे चेंजेस किए हैं। टेक्स्ट के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं और फोटो मोड के अंदर आपको अब एक नया ऑप्शन जो है यहां पे प्रोवाइड किया है, वॉइस शटर, जिसको एक्टिवेट करने के बाद जो है आपका शटर बटन भी यहाँ पे चेंज हो जाता है और एक वॉइस कमांड से आप पिक्चर्स को कैप्चर कर पाते हैं, जो वॉइस कमांड है चीयर्स। देखिए जैसे हम चीयर्स बोलेंगे ये फोटो को कैप्चर करेगा चीयर्स। तो ये देखिए इसने इमेज जो है कैप्चर कर लिया। तो आपने इस APK के थ्रू जो है आप कैमरे को अपडेट कर लेंगे और उसके बाद जो है आपको अपने कैमरे के अंदर भी यही फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी APK का फाइल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब नेक्स्ट फाइल जो आपको देखने को मिल रही है वो है गैलरी वर्जन 3.4.9.0। तो गैलरी के अंदर भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम गैलरी के एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, ओवरऑल देखा जाए तो UI आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं वो किए गए हैं आपके एडिटर के अंदर। अगर आप एडिटर के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ यहाँ पे नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे बेसिक एंड AI टूल्स। इन टूल्स के अंदर आपको काफी सारे जो है नए स्काई मोड के फिल्टर्स देखने को मिलेंगे, नए स्टिकर्स देखने को मिलेंगे और इरेज मोड में आपको जो है मैन्युअली रिमूव लाइन से रिमूव पीपल के भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। काफी सारे जो है नए फिल्टर्स और नए टूल्स जो है आपको गैलरी के अंदर आप प्रोवाइड किए गए। इस गैलरी एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप अपनी गैलरी को फुल्ली अपडेट कर सकते हैं और एक नया गैलरी का वर्जन जो है अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसको इस टाइम पे टेस्टिंग पर्पज पे, बट ओवरऑल देखा जाए ठीक तरीके से काम कर रही है। अब नेक्स्ट ऐप जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है गैलरी एडिटर। गैलरी एडिटर जो है गैलरी का ही एक प्लगइन है, जिसके थ्रू आपको एडिटिंग के टाइम पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सपोज कीजिए आप गैलरी पर जाते हैं, गैलरी में आपके पास कोई एक ऐसा वीडियो है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए हम इस वीडियो को लेते हैं, इसके एडिट ऑप्शन पर जाते हैं। तो इसके एडिट ऑप्शन पर आप जाएंगे तो अब आपको देखिए यहाँ पे एक प्रो मोड देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इसके ऊपर टैप करेंगे स्विच करने को बोलेगा, उसके बाद आपको काफी सारे टेम्पलेट्स के एडिटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। एडिटर्स में जाएंगे तो आपको काफी सारे जो है यहाँ पे टूल्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको काफी सारे जो है वीडियो रिलेटेड फिल्टर मिल जाएंगे, आप अपने वीडियोस को इनहेंस कर सकते हैं, ये काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। उसमें कैप्शंस को ऐड कर सकते हैं, साउंड ट्रैक्स को आउट कर सकते हैं और एस्पेक्ट रेशियो को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये एक नया प्रो मोड जो है आपको गैलरी एडिटर के थ्रू जो है देखने को मिला है, जो कि आप अपने फोन के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। इसको हम Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 11 Pro Plus के अंदर ट्राई किया और ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और नेक्स्ट APK जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है MIUI का लॉन्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MIUI का लॉन्चर जो है दिन ब दिन काफी स्टेबल होता जा रहा है, एनिमेशंस काफी स्मूथ हो रहे हैं और काफी सारे आपको उसके अंदर फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए हम चलते हैं एक बार लॉन्चर की सेटिंग्स के अंदर। तो अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि लॉन्चर की सेटिंग्स में जैसे कि आप लोग जानते हैं अब आपको बैलेंस, रिलैक्स्ड और फास्ट मोड यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है आप एनिमेशन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए फास्ट में जो है एनिमेशन काफी फास्ट हो जाते हैं और आप इनको अपने फोन में यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस लॉन्चर को भी अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपके फोन के अंदर पहले से ही MIUI का लॉन्चर होना चाहिए। पोको लॉन्चर पर यह वर्क नहीं करेगा और आपको नीचे अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिफ्थ नंबर की APK जो है वो है सिक्योरिटी APK। इसके थ्रू जो है आपके फोन के अंदर दो चेंजेस होने वाले हैं। एक तो आपके जो गेम बूस्टर है यानी गेम टर्बो, उसमें आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे और साइड बार में भी आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आपको अपने फोन की सेटिंग्स के अंदर साइड बार का एक फीचर देखने को मिलता है। ये देखिए स्पेशल फीचर्स में आप जाते हैं, यहाँ पे आपको साइड बार का एक फीचर मिलता है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक
टॉगल देखने को मिलेगा, जिसको अब आप कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। और नीचे आप इनको एप्स में यूज कर सकते हैं, जैसे गेम्स में हमने मी रिमोट यूज किया है, उसी तरीके से जो है आप इनको गैलरी में भी यूज कर सकते हैं। देखिए गैलरी के अंदर भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक बार एक्टिवेट करना है। सेटिंग्स में ही जाइए, स्पेशल फीचर्स में, और साइड बार के अंदर आप जाएंगे तो आपको जो है वीडियो एप्स में आप गैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए गैलरी के अंदर आपको यहाँ पे एक साइड बार जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए गैलरी में जो है साइड बार जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जिसमें डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसी के थ्रू जो है आप गेम बूस्टर को भी यूज कर सकते हैं, जिसको हमने मी रिमोट के अंदर एक्टिवेट कर रखा है। तो ये देखिए मी रिमोट पर जाते हैं तो अब आपको जो है एक नए तरीके का गेम बूस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आप इसको परफॉर्मेंस मोड यूज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। आप इसको यहाँ से डिसेबल करना चाहें तो उसको डिसेबल करते हैं। वॉइस चेंजर मिल जाता है, टाइमर, आपको स्क्रीन शॉट सेटिंग्स, इसके कलर्स चेंज करने का ऑप्शन, टर्न ऑफ स्क्रीन, ये सारे के सारे नए जो है गेम बूस्टर के फीचर आपको इस सिक्योरिटी ऐप को अपडेट करने के बाद मिल जाएंगे। अब जो लास्ट ऐप आप देख पा रहे होंगे वो है सिस्टम यूआई प्लगइन। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो मोस्टली एंड्रॉइड 12 के फोन्स के ऊपर काम करेगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड 12 का वर्जन है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको इंस्टॉल करने के बाद जो आपका पुराना जो MIUI 12.5 का कंट्रोल सेंटर था वो बिल्कुल न्यू कंट्रोल सेंटर में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और आप कुछ इस तरीके का लुक जो है आप अपने MIUI के फोन के अंदर पा सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आगे चल के आपको मिलने वाले हैं MIUI 14 के अंदर, या उससे पहले भी देखने मिलते हैं, बट आप इनको अभी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सभी APK फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इनको डाउनलोड करके ये सभी के सभी एप्स को अपडेट कर लेंगे और इन सभी नए फीचर्स का फायदा अपने Xiaomi फोन में उठा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।